Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about Abraham Maslow's theory of motivation. आज हम लोग अब्राहम मैस्लो के प्रेरणा का सिद्धांत थ्योरी या मोटिवेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप टैट, सी टैट, सुपर टैट या अदर एनी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे एक से दो क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, बाद में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने से पहले दो एक लाइन मैस्लो के बारे में हम जान लेते हैं। जो अब्राहम मैस्लो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। अब्राहम मैस्लो वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके अलग अलग नाम हैं, उनको भी जानेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। देखिए मैस्लो का प्रेरणा का सिद्धांत या थ्योरी या मोटिवेशन क्या है, इसके अन्य नाम क्या क्या है? मांग का सिद्धांत, आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत, मैस्लो के प्रेरणा का सिद्धांत। इस जो सिद्धांत है थ्योरी या मोटिवेशन है, ये अलग अलग नामों से आ जाता है। उन्हीं नामों को हमने जो नोट डाउन यहाँ पर किया है, थ्योरी या नीड हायरार्की थ्योरी भी इसे कहते हैं। अब पहले तो सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्या है ये सिद्धांत? मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा में आवश्यकताओं की अनुभूति तथा संतुष्ट निहित है। मानवीय प्रेरक एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इन प्रेरकों की संख्या 5 है। अब्राहम मैस्लो का कहना था कि जो मानव है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्रम में होती हैं, एक निश्चित क्रम में होती हैं। देखिए ये क्रम दिखाया गया है, इसे कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है। और इन प्रेरकों की संख्या कितनी होती? 5। नोट डाउन कर लें। जिस समय विशेष में जो प्रेरक सबसे ज़्यादा उत्तेजना रखता है, एक्साइटमेंट रखता है, वह पूरे व्यवहार पर छा जाता है। एक प्रेरक के शांत होने पर दूसरा प्रेरक जागृत होता, मतलब एक्टिव होता है। इस तरह क्रम चलता रहता है और अंत में 5वां प्रेरक प्रभावी होता है। देखिए इस शंकु के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पिरामिड के माध्यम से, त्रिभुज के माध्यम से समझिए। देखिए सबसे पहले कौन सी आवश्यकता है? मौलिक आवश्यकता है। उसके बाद में कौन सी आवश्यकता है हमारी? सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, इसके बाद आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ऐसे ऐसे नीड्स होती हैं और सबसे जो नीचे होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए देखिए बड़ा है। उसके बाद आवश्यकताएँ जो होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, क्योंकि तभी जो त्रिभुज का आकार है वो कम होता चला गया। तो इसके बारे में कुल हमें मेन पॉइंट से याद रखने हैं कि ये अब्राहम मैस्लो ने जो आवश्यकताएँ वो एक क्रम में के रूप में बताई हैं और इनकी संख्या, प्रेरकों की संख्या 5 है। इनमें जो सबसे ज़्यादा उत्तेजना रखता है वो ही पूरे व्यवहार पर छा जाता है। जैसे इस समय हम लोगों की एज क्या है? लगभग 30 के आसपास होगी, मोर और लेस। तो इसमें हमारी आवश्यकताएँ और है। एक जो 60 साल वाला व्यक्ति होगा और एक जो 12 साल का लड़का होगा, क्या सभी की आवश्यकताएँ समान है? नहीं, सभी की आवश्यकताएँ अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लें। अब इसके आगे यहाँ पर समझिए और आवश्यकता अच्छे से, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं हमारी? मौलिक आवश्यकताओं को क्या क्या कहा गया है? मौलिक आवश्यकता कहो, मनोदैहिक आवश्यकताएं कहो या प्राथमिक आवश्यकताएं करो, इनको नोट डाउन कर लें क्योंकि अलग अलग नामों से आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारी बेसिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। सही बात है। अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने 5 मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकताएं बताई थी। कौन कौन सी? भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। काम का मतलब यहाँ पर वर्क नहीं है, काम का मतलब यहाँ सेक्स, डिजायर टू सेक्स। तो
अब्राहम मैस्लो ने कितनी मूलभूत या मौलिक आवश्यकताएं, मनोदेही की आवश्यकताएं बताई? पांच, भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। ये पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक आवश्यकता अब्राहम मैस्लो के अनुसार है या नहीं है। तो आपको इन पांचों को याद रखना है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता इसलिए है। अब ये जो पांच हैं, इन पांचों में से किसी के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अरे ये तो आप करेंगे ही, भूख लगेगी खाना खाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, नींद आएगी तो सोएंगे ही, मलमूत्र त्याग जब खाया है तो मलमूत्र भी त्याग करेंगे, काम इसके लिए किसी को मोटिवेट करना है कि इन पांचों में से किसी के लिए किसी को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति जन्मजात होता, इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात गुण होता है कि ये तो काम करेगा। सबसे पहले हमारी यही आवश्यकता है, फिर इनके बाद हमारी आवश्यकताएं कम होती चली जाती हैं। शरीर से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इनको मनोदैहिक कहा है, इनको शारीरिक आवश्यकताएं भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनको वन बाई वन देखते हैं कि पहले स्तर पर क्या है। देखिए पहले स्तर पर तो जो अभी हमने पढ़ लिए हैं मौलिक आवश्यकताएं, अच्छे से क्लियर हो गई। दूसरे स्तर पर सुरक्षा की आवश्यकता। अब आज तो हमने खा पी लिया, मकान में अच्छे खासे रह रहे हैं, कल के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। कल के मतलब फ्यूचर की चिंता होना, आगे के लिए सिक्योरिटी, इसे ही कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। और इसमें कुछ भी नहीं है। सामाजिक आवश्यकता तीसरे नंबर पर आइए। सामाजिक आवश्यकता ये क्या है? देखिए सामाजिक आवश्यकता में है परिवार है, मित्र है, समाज में जीत होता है, परिवार है हमारा, फैमिली है, फ्रेंड्स है, धार्मिक संगठन है, दूसरों के साथ प्यार है, मोहब्बत है, ये चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, भूख प्यास निद्रा मलमूत्र त्याग पहले ये हो जानी चाहिए। और फिर हमारी सिक्योरिटी है कि कल भविष्य में हम क्या करेंगे, हमारे लिए है आज तो हम रह रहे हैं, कल को हमारे पास खाने को है कि नहीं है, आगे के लिए हमारी चिंता, समाज सुरक्षा की आवश्यकता, ये हो गई हमारी दूसरी। फिर इसके बाद आता है प्यार मोहब्बत परिवार मित्र, समाज में दूसरों के ऊपर अधिकार जमाना, दूसरों पर अधिकार जमाने की आवश्यकता हो गई। इसके बाद क्या है? मित्र है, परिवार है, सोशल रिलेशन, दूसरे लोगों से संबंध, ये हो गई तीसरी। तो एक दो तीन, अब ये तीन आवश्यकताएं जो होती हैं, व्यक्ति 99% लोग यहीं पर फंसे रहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने एक दो तीन, इन तीन जो आवश्यकता है उनको निम्न स्तर की अवस्थाएं भी कहा है, निम्न स्तर की आवश्यकताएं या मांगे कहा है। एक दो तीन ऐसे करके लिख ले, आपको ध्यान अच्छे से रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्न मांग है अब्राहम मैस्लो के अनुसार। मौलिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। अब बात तीन तक खत्म हो गई, अब चलते हैं उच्च स्तर की मांग है, ये क्या है? चार और पांच, चार प्लस पांच का मतलब है चौथी और पांचवी। चौथी क्या है? आत्मसम्मान, स्टीम नीड्स। आत्मसम्मान का मतलब सब कुछ है, पेट भरा हुआ है, अच्छा खासा इंतजाम चल रहा है, खा पी रहे, मौज कर रहे, फिर कौन सी मांग उत्पन्न होती है? आत्मसम्मान, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, ये चीजें। और सबसे पहले क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए? शारीरिक। अगर शारीरिक अवस्थाएं किसी की नहीं पूरी हो रही है तो इन आवश्यकताओं का उसके लिए कोई भी मतलब नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वही फिर यहाँ चौथी और पांचवी में ज्यादा बातचीत करता है। 99% जो लोग होते हैं वो एक दो तीन पर ही फंसे रहते हैं। तो ये हो गए इस चित्र के मगर। अब आत्मसिद्धि, ये जो है सबसे उच्च स्तर है। अगर पूछा जाए कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च स्तर की मांग है या आवश्यकता है तो वो क्या है? आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती चली जाती है तो समाज का दायित्व संभालने की प्रवृत्ति आ जाती है, व्यक्ति समझदार हो जाता है। देखा है बड़े बूढ़े लोग होते हैं सभी को ज्ञान देते घूमते हैं, क्योंकि अब उनको ना तो पढ़ लिख के सी टेट पास करना, नेट टेट करना, वो तो कर चुके जो उन्हें करना था, वो जो कर रहे हैं वो
तो ये ही अवस्था है। इस अवस्था पर व्यक्ति समझदार ज्यादा हो जाता है। यही था अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। इसको आप पॉजिटिव लिख लें। अब इसको हमने पढ़ लिया। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभी देखिए हमने क्या क्या इसके अन्य नाम लिखे थे। यहाँ पर देखिए आवश्यकताओं का पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब है एक के बाद एक, क्रम से, ऐसे जे पहले जे फिर जे फिर जे फिर जे जे क्रम से है, इसलिए इसे कहा गया पदानुक्रम का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत। मांग का मतलब यहाँ पर डिमांड नहीं, मांग का मतलब नीड है, आवश्यकता है मेरी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत। देखिए सेम प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा गया दूसरी लैंग्वेज में। मानव आवश्यकताओं का पद अनुक्रम किसने दिया? यहाँ पर यही पूछ ली कि जो थ्योरी है वो दी किसने दी? थांडाइक, मास्लो। देखिए प्रेजेंटेशन मास्लो मैस्लो कुछ भी हो सकता है, बस समझने पर ध्यान दें। मास्लो, गिलफोर्ड, काफका, तो थ्योरी सीधी सी बात है। मानव की आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए अपनी क्लास को अब समाप्त करते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इसके हमने दो क्वेश्चन आज कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन होंगे उनको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। आज आपके लिए सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपने जस्ट पहली बार इसको पढ़ा है तो इसको तो एक बार चला के देख लें, आपका और क्लियर हो जाएगा। और इस वाले में जो मैंने लिखा इसमें तो दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस चार्ट को दो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे उच्च स्तर की मांग है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, मतलब आप देखते रहिए ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले मौलिक आवश्यकता है, इनको क्या क्या अलग नाम दिया गया? मनोदैहिक, मनोदैहिक या और क्या क्या कहा गया है? मनोदैहिक कहा गया है, शारीरिक कहा गया है, सुरक्षा की आवश्यकता आज है तो कल के लिए भविष्य की चिंता, सामाजिक आवश्यकता सोशल रिलेशन, परिवार है, मित्र है, लोगों पर अधिकार जमाना है, प्यार है, मोहब्बत है, ये सब यहाँ पर आती है। एक फिल्म का डायलॉग है, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो खिड़की से मोहब्बत बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमारे लिए? मेरा पेट भरा होना चाहिए, मेरी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। अब मेरी शारीरिक आवश्यकताएं जो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने पांच बताई हैं, ये ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो मेरे लिए कोई भी कितना भी अच्छा ज्ञान दे, मेरा उसके लिए बेकार है वो ज्ञान। भूखे पेट न होए गोपाला, ले जे अपनी कंठी माला। अब मुझे किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमारी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और देखिए इनका क्रम भी है, भूख प्यास निद्रा मलमूत्र बाद में जे आता है, ठीक है, सबसे पहले जे। चलिए अब अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, जो मेन मेन चीज़ें इनको लिख नोट डाउन कर लें। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप भी टैट सी टैट की तैयारी करते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।